मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के अरगड़ा चौक के समीप क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जय कुमार सिंह पर चली गोली। मैक्स सेवन अस्पताल में इलाज के दौरान हुई उसकी मौत। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि अरगड़ा चौक के समीप शनिवार की रात्रि 10 बजे के करीब पान दुकान पर सभी लोग मौजूद थे। इसी बीच में अरगड़ा चौक के ही रहने वाले नवल यादव अपने अन्य साथी के साथ आया और आपसी बहस होने के बाद जय सिंह के गर्दन में गोली मारकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मधुबनी टीओपी पुलिस पहुंची, लेकिन इस बीच गुस्साए लोगों ने फरार अपराधी का बाइक आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक गोली मारने के बाद जय कुमार सिंह के साथ रहने वाले एक व्यक्ति ने नवल यादव के हाथ को काफी देर तक पकड़ कर रखा, लेकिन बाद में घायल को बचाने के लिए उनका हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद वह फरार हो गया। बताया जाता है कि नवल यादव और जय कुमार सिंह का महज आधा किलोमीटर की दूरी पर घर है और दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। घटना के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। नवल यादव के भतीजे सौरभ यादव की हत्या हवाई अड्डा फील्ड पर बीते 31 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद से वह काफी परेशान चल रहा था। बताया जाता है कि शनिवार को भी घटना के वक्त भतीजा के हुए वारदात के संदर्भ में लोगों को गाली दे रहा था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बताया यह भी जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से गोलीबारी की घटना हुई है। पुलिस के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल परिजनों के द्वारा दिए गए बयान के आलोक पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तत्पर है। और जे जियाजी आयल छै फुलबरिया वाला कढ़ा गोला कर जे घर छै ठीक छै ओ अयले छै अपना बेटी के शादी के बाद विचार करे ला, तो कहले वो अयने छै तो आके जो वो अपना बात विचार विचार कर रहा था, हमरे यहाँ सब उठा बैठल था सब, तो उसके बाद जो है आनंद भैया और उनके जियाजी और उनके चचेरा भाई निपू यादव वो जो है बाहर गए पान दुकान पर, यानी घूमते फिरते मानिए कि जैसे कि कोई आया कर कुटुम तो इज्जत पान तो करना है, तब चौक पर गए पान पुड़िया खाने के लिए। उतने में जो है नेवल यादव किधर से आया नहीं आया, अब क्या था संग में देखे, लेकिन नेवल यादव पान दुकान पर बकछेटी किया है। हम गाड़ी लेके जैसे घुसे हैं, हम बाहर में जो पॉकेट में हाथ लेके हम खड़ा हैं कि जब यहाँ घर जाएगा तो गाड़ी की चाबी हम दे देंगे, हम भी अपना गेट में ताला मार के सो जाएंगे। उसका जियाजी भी आनंद भी आ गया, उनके चचेरा भाई निपू यादव भी अरगरे चौक पर हमारा घर के सामने में ठीक हमारे सामने में जस्ट हुआ है। पीछे वही दुकान सब जो है ना, वही दुकान के जस्ट आगे वहाँ पर जो है नेवल यादव आए, आनंद भैया से बकछटी करने लगे। ये बोले कि आपसे क्या झगड़ा, अब हरगुड़िया हमको कहा गाली बकते हैं, पान दुकान पर गाली बकने लगे। तो हम बोले कि हे हो कहा आप लोग कहा झगड़ा करते हैं, हमारा घर पर कहा आप लोग आकर झगड़ा करते हैं, बार बार आकर यही झगड़ा करते हैं। नेवल यादव जय भैया बोला जिसको गोली लगा है, वो बोले क्या आप लोग हमेशा झगड़े क्यों करते हैं, भाईचारा के साथ में नहीं रह सकते हैं, वो इतना बात बोले। तो उनका भतीजा जो मरा है सौरभ यादव, वो बोलते हैं वो नेवल यादव क्या बोलते हैं कि बाप बेटा के बल पर बाप कुत्ता है, हमारा भतीजा मर गया, सबको यहाँ पर जो है हंसी मजाक पार्टी कर रहा था, वो ये बात बोले। हम भी गरमाए, एक बच्चा मर गया, छोटा बच्चा कोई भी कांड से मरा, आखिर हम लोग के नजर के सामने का बच्चा था ठीक है। आप जो ये बात बोल रहे हैं कि मर गया तो यहाँ को खुशी पार्टी मना रहा है, क्या वो गाँव समाज का बाल बच्चा नहीं था, इतना बात बोलते देरी लगा। आनंद भैया पर जो बंदूक तान दिया, जय भैया बोलता है कौन काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, आनंद भैया पीछे में जय भैया आगे में थे, बस नेवल यादव गोली निकाल के पिस्टल तुरंत देखेगा पट से गोली चला दिया, जय भैया गले में गोली लग गया, गोली लगा हमने वाला गट्टा पकड़ लिया, गट्टा पकड़ उसको बांस पर धगा के लेकर भागे, नेवल यादव हमको गट्टा छोड़ा के भाग गया। मनोज यादव भी था साथ में, पैदल भागा, गाड़ी छोड़ दिया मतलब बजे पर गाड़ी छोड़ के भागा, गाड़ी वही है अभी, गाड़ी वही पड़ी पब्लिक मोमेंट में, उसको गाड़ी चूर चार आग लगा दिया है पब्लिक मोमेंट, पब्लिक गुस्सा आ गया। मनोज यादव और नवल यादव दोनों मिल के आया था साथ में।